बेरमो के चंद्रपुरा इलाके में क्वार्टरों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की बिजली पानी काटने का अभियान चलाया गया और डीवीसी क्वार्टर में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे थे उनकी बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया, जिसमें स्टेट ऑफिस के कुछ स्टाफ और प्राइवेट गार्ड शामिल थे। अभियान के दौरान कोई भी उच्च स्तरीय अधिकारी नजर नहीं आया जो कैमरे पर बता सके कि आखिर किस अभियान के तहत ये कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि लगभग 300 क्वार्टर्स में अवैध कब्जा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीवीसी के क्वार्टर में जब अवैध कब्जा होता है तो उन्हें खाली क्यों नहीं कराया जाता। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अवैध कब्जा कैसे हो गया। सभी तो ना थ्राइए इधर बोलिए। ब्लैक वाला है। और निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिए जाने को लेकर आजसू ने धरना दिया। बता दें कि निजी कंपनियों और संस्थानों में 75% आरक्षण की मांग को लेकर आजसू बोकारो जिला कमेटी की तरफ से संवरणालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। आजसू के जिला अध्यक्ष सचिन महतो की अगुवाई में यह प्रदर्शन आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि जेएमएम की सरकार ने यहाँ जनता को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने की बात कही थी, मगर सरकार बनने के बाद जेएमएम अपने वादे को भूल गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस वादे पर अमल नहीं किया जाता है तो राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान किया जाएगा। आज पार्टी तय कार्यक्रम के अनुसार हम लोग जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और इस धरना के माध्यम से हम लोग कार्य उपायुक्त के द्वारा एक महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन के नाम एक ज्ञापन देंगे। उसमें हम मांग करेंगे कि जो अभी झारखंड सरकार ने स्थानीय को 75% नियोजन निजी क्षेत्र में लागू किया हुआ है, उसे पूरी तरह से अमली जामा पहनाते हुए यहाँ के बोकारो के निजी संस्थाओं में, निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों में, कंपनियों में इसे लागू करते हुए यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के युवाओं को बेरोजगार